इसको डेकोरेट करने के लिए हमें हल्का सा रायगढ़ का किला ले लिया है और अभी हम उसको ड्राइंग कर लिए हैं। अब धीमे से वो पेंट करेंगे रायगढ़ किले को। तो आपको कवर पेज जब बनाना हो तो कवर पेज के अंदर जो ड्राइंग आपने ले रहे हैं, इसमें से कोई भी जैसे ड्राइंग ले रायगढ़ के बारे में ले रहे हैं, तो वो चीज़ आपको बाहर भी आपको यहाँ बनानी है। ठीक है, तो इसको हम पेंट करेंगे धीमे धीमे। फोर्ट का ये रेडी हो रहा है, काफ़ी अच्छा माउंटेन में इफेक्ट डाला है इसने। अभी रायगढ़ का किला पेंट होगा, ब्लू कलर हो गया ऑलरेडी। अक्सर आप लोग लाइट ब्लू कलर का ही पेपर शीट यूज़ कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरे कवर पेज को बनाना पड़ता है। तो आप लोग बच्चे क्या कहते हैं, येलो पेज यूज़ कर लेते हैं और येलो पेज यूज़ भी नहीं होता है, क्योंकि तो पूरे पेज को ढकना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए स्टेप से रेडी हो रहा धीमे धीमे। पेपर श्रीवास्तव आपको कवर पेज डेकोरेट करना सिखाने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने रायगढ़ का किला लिया हुआ है, बच्चे ने कुछ ठीक किया था, तो आपको जब स्क्रैप बुक मिलती है तो स्टेप्स इसको डेकोरेट करना होता है, साइड में भी डेकोरेट करना होता है, अंदर भी डेकोरेट करना होता है। जैसे कवर पेज हम लोग डेकोरेट करने जा रहे हैं, तो कोई भी आपको जो अंदर आपने पेंटिंग ली है उस पेंटिंग के ऊपर बनाना है ड्राइंग को और उसको कलर करना है। तो उन्होंने ब्लू कलर ऑलरेडी डाल दिया है और माउंटेन बना लिया है, तो उस किले को हम लोग उसको ठीक करेंगे। ठीक है, तो इसको हम इसको ठीक करने जा रहे हैं। वाटर कलर लिया है, ब्रश ले लिया आपने, इसको हम इसको ठीक करेंगे धीमे धीमे। यहाँ पे एक आपको झंडा दिखाना है, रायगढ़ का किले का झंडा, एकदम पतले ब्रश से आपको काम करना है। स्टैंडिंग आपको इतना दिखाना है, ये पोर्शन नहीं दिखेगा। ये आपका ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पर भी सीढ़ी है, तो धीमे धीमे आपको इसको डिटेलिंग करनी होती है। पहले हल्का सा कलर कर करके फिर आपको इसको फिनिशिंग टच देना होता है। तो ये देखिए हम धीमे धीमे इसको ठीक कर रहे हैं, ये और भी पतला यहाँ वाला आएगा। यहाँ पे फोर्ट की जो लाइन है वो है, इसको तो आपको डार्क करना है, ये अंदर घुसी हुई लाइन को उसको थोड़ा डार्क कर देंगे। बच्चे बनाते हैं तो फिर इसको हमको ठीक करना होता है। ये वाला भी अंदर पोर्शन है, कवर पेज भी कभी भी आप फोटो ना चिपकाएं, खुद अपने हाथ से बनी हुई ड्राइंग को लगाएं, तो और भी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ये सब इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो इसलिए सिंपल से बना के आपको नहीं छोड़ देना है। आपको 20 मार्क्स इंटरनल मिलता है, तो आप इस पर अच्छे से काम कीजिए। मैम वो देखती है कि आपने कितना अफोर्ड डाला है इसके ऊपर, तो इसलिए हम अपने ड्राइंग क्लास में सब बच्चों को सिखाते रहते हैं। जब बच्चे कर लेते हैं और उसके बाद उनको नहीं आता है तो उसको हम ठीक करके देते हैं, और वही वीडियो हम आपके यूट्यूब पे डालते हैं। आप लोग एक लाइक सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए मेरे इस वीडियो के लिए, क्योंकि हम इसमें कुछ एडिटिंग या कुछ स्टेप्स नहीं करते, जो बच्चे बनाते हैं उनको ही ठीक करके हम आपको दिखाते हैं। तो एक लाइक तो बनता ही आप लोगों के लिए, आप लोग एक लाइक को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। छोटे छोटे स्टोन यहाँ बनाने, पत्थर ही गिरे हुए स्टेप से पत्थर दिखाने हैं आपको, स्टेप इसको पूरा कंप्लीट करना है मुझे धीमे, इसको हम कंप्लीट करेंगे धीमे धीमे। आपको स्टेप से कलर करते जाना है, यहाँ पर इसको स्लोप देना है मुझे, कॉकरेल लगाना है, इसे स्लोप देना है। ठीक है, यहाँ पर हल्के से लाइन करनी है मुझे, कंप्लीट कर दिया। ज़्यादा इसको नहीं करेंगे क्योंकि बच्चे बना रहे हैं। इस टाइप से आपको कवर पेज को रेडी करना है, यहाँ पे अपना टाइटल लिखना है जो सर स्कूल का है, टॉपिक का है। यहाँ पे बच्चे अपना नाम लिख देंगे, इस जगह पे नाम क्लास सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे, और ये आपका कवर पेज रेडी हो गया। तो इस टाइप से आप अपने ड्राइंग के थ्रू कवर पेज बनाइए, फोटो स्टिक मत कीजिए,
क्योंकि फोटो स्टिक्स स्कूल अलाउ नहीं करता है। ठीक है, वीडियो बनाने में काफ़ी चीज़ें मालूम पड़ती हैं, तो ये हम इसलिए बना देते हैं ताकि आपको आगे भी इसकी हेल्प मिल सके। आपको कोई भी टॉपिक आए तो आप इस टॉपिक को ड्राइंग के थ्रू बनाइए, अंदर जो आपने फ़ोटो लिया है उसका कोई भी ड्राइंग आप बाहर बनाइए। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो के लिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इसको, और शेयर करना मत भूला कीजिए। थैंक यू इस वीडियो के लिए।